तबीयत है बेटा तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर अम्मी। तुमने तो बेटा सबको डरा दिया था, अब इसी तरह हम बंद बैठे रहोगी कमरे में? बाहर आकर बैठो। नहीं वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, लेकिन बस ऐसा एक दो दिन रेस्ट और करना चाह रहा था। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी फ्लाइट आगे करवाई है या नहीं? हाँ बेटा, जब तक डकैती का मसला हल नहीं होता मैं कराची नहीं रहूंगी। मैंने सालिया के पोते से बात कर ली है, उसने मुझसे कहा है कि ना पुलिस इस घर में आएगी और ना तुम्हारी बीवी को कोई बयान देना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा है कि कैमरे की मदद से वो तमाम चोरों का पता चला ले। तुम बिल्कुल बेफिक्र। छोड़ दे अम्मी, इस किस्से को छोड़ दे, रहने दे। 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, क्या जरूरत है? मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं इस दौरान फुरकान की मंगनी कर देते हैं, और जब तक ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर शादी कर देते हैं। ये ज्यादा अच्छा नहीं है? वैसे तुमने बच्चे से बात की? फातिमा ने उससे जिक्र किया था, आपसे कुछ कहा है उसने? तुम्हारी औलाद है बेटा, तुम्हारा मसला है। नहीं अम्मी, वैसे तो वो लोग अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, साहिब सरबत हैं, और माशाल्लाह लड़की जो है कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है। यानी तुम दोनों को बेटा जायदाद की लालच है? हमारा क्या है अम्मी, आज है कल नहीं रहेंगे, जो कुछ भी है उन्हीं का है। हम तो वालिदैन होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। वालदेन की नियत बुरी नहीं होती बेटा, बस फैसले गलत हो जाते हैं और फिर सारी उम्र औलाद को भुगतना पड़ता है, ये याद रखना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अकलमंद को इशारा ही काफी है।